म्यूजिक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉकस्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रणित सिंह, और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रणित। सिंग अलोंग एकेडमी फॉर सिंगर्स, लर्न फ्रॉम योर होम। तो दोस्तों, सब कुछ बढ़िया है मैं आशा करता हूँ, और सब लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, सब लोग कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं। ऑल्दो कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, बट स्टिल आई होप जो पुरानी वीडियोस हैं वो आप देख रहे होंगे, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। कुछ नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल, एंड मेक श्योर आपने सब्सक्रिप्शन तो कर लिया हो और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया हो, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लिया हो, क्योंकि कई लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिलती है, तो मैं इसलिए स्टार्टिंग में बता देता हूँ, तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारी हमने अपनी जितनी भी वीडियोस करी हैं, वीडियो बनाई हैं, आप सब लोगों के लिए बनाई हैं, तो उनमें मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया है। तो जो लोग उन वीडियोज़ को देख चुके हैं उनको पता है कि उनकी आवाज़ में से क्या फ़र्क पड़ा है, उनकी सोच में क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि कई लोग सिर्फ आवाज़ को ट्रेन करते रहते हैं, सिर्फ यू नो फिज़िकल ट्रेनिंग करते रहते हैं, दे डोंट नो, एंड मोस्टली आपको लोग बताते भी नहीं हैं, बहुत कम लोग बताते हैं ये बात कि आपको पहले दिमाग से म्यूजिशियन बनना है, दिमाग से पहले आपको एक गायक बनना है, एक सिंगर बनना है, उसके बाद आप विद वोकल ट्रेनिंग आप अपनी आवाज़ को भी उस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिमाग से सिंगर बनना ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलते हैं, ये आपके डाउट क्लियर करते हैं, और डाउट क्लियर होने की वजह से आपको कभी डाउट नहीं होता और क्लैरिटी रहती है आपके माइंड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई गाना गाते हो या कोई भी ट्रेनिंग करते हो, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, आप उतने अच्छे से उसको उस तरीके से निभा नहीं पाओगे जैसा आपको उसे निभाना चाहिए। तो इसलिए क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई चीज़ इम्प्रोवाइज भी करना चाहते हो तो भी आपके लिए उस बेसिक स्ट्रक्चर की एटलीस्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो है क्या, ठीक है। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक पोल करवाया था, तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कि टिप्स आप दें नेक्स्ट वीडियो में, तो ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि कई बार रिपीटेडली पूछा गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गाना तो मैं सीख रहा हूँ या फिर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन क्या मुझे सिर्फ क्लासिकल सीखना चाहिए, क्या मुझे बॉलीवुड सीखना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, मैं वर्सेटाइल होना चाहता हूँ, तो कैसे वर्सेटाइल हूँ मैं, हाउ कैन आई बी अ वर्सेटाइल सिंगर, अ काइंड ऑफ सिंगर जो हर तरह के जॉनर्स को, हर तरह के जॉनर्स को उसी तरीके से गा पाए जिस तरीके से वो किसी एक पर्टिकुलर जॉनर को गाता है। यानी कि अगर कोई गज़ल वाला सिंगर है तो वो कव्वाली भी गा पाए, अगर कोई कव्वाली वाला सिंगर है तो वो इंग्लिश भी गा पाए, अगर कोई इंग्लिश गाने वाला सिंगर है तो वो पुराने गाने भी गा पाए, और कोई पुराने गाने वाला अगर सिंगर है तो वो डिवोशनल गाने भी गा पाए। यानी कि हर तरह के जॉनराज में आप इन हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो जैज हो, चाहे वो रॉक एंड रोल हो, एनी यू नेम इट, एंड आप कर देते हो वो। तो ऐसा अगर आप आवाज़ चाहते हैं तो आपको मैं आज जो टिप्स देने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह का यू नो थिंग्स टू रिमेंबर है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरह के गानों को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग जॉनराज में हम अपनी आवाज़ को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि अगर आपको वर्सेटाइल होना है तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि यू हैव टू लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनराज। तो अगर आप अलग अलग तरह के जॉनरा गाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको पहले उन जॉनराज को सुनना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर तरह के गानों में किस तरह की आवाज़ होती है, किस तरह का वोकल टोन यूज़ होता है, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगे जब आप अलग अलग तरह के जॉनराज को स्टडी करोगे, उन्हें पढ़ोगे, उन्हें सुनोगे, उनके बारे में जानोगे, उनके जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं उस पर्टिकुलर जॉनराज के उनको सुनोगे, तब आपको थोड़ा एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनराज एंड देयर रिस्पेक्टिव सिंगर्स, ओके। सिर्फ एक नहीं कि आप अरिजीत सिंह को ब्लाइंडली फॉलो करो और चाहते हो वर्सेटाइल बन जाना, नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ रफ़ी साहब को सुन रहे हो पूरे टाइम और चाहोगे कि इंग्लिश गाना आपको आ जाए, नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आप सब कुछ सुन रहे हो, तभी आप डेवलप कर पाओगे अपनी उन कैपेसिटीज़ को, उन एबिलिटीज़ को, ओके। अगला जो पॉइंट है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि आपको राइट वोकल टोन अपना बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपको भी मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़रूरी है कि आप ऐसी आवाज़ बना के रखें जो एक न्यूट्रल साउंडिंग आवाज़ हो, जिसमें ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर जॉनरा का बहुत गहरा इम्पैक्ट ना हो। यानी कि कुछ लोग ऊंचे गाने खाली गाते हैं, जो कव्वाली गाते हैं, तो उनकी आवाज़ जो है वो
थोड़ी ऊपर की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाती है। ऊपर के गानों में, ऊंचे स्वरों के गानों में वो कंफर्टेबल फील करते हैं, जब लो उनको गाने को बोला जाए तो उनको तकलीफ होने लगती है। तो यानी कि आपकी वॉइस न्यूट्रल नहीं है, आपकी वॉइस ऊपर की तरफ खींची हुई है। तो जो जो जॉनर्स जो जॉनर्स उस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे होंगे वो तो आप गा लेंगे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो लो रेंजिंग जॉनर्स हैं, जैसे कि गज़ल हो गया, जैसे कि जैज़ हो गया, इस तरह के जो गाने हैं वो आप नहीं गा पाओगे, आपको प्रॉब्लम होगी गाने में, ठीक है। तो वोकल टोन, सही वोकल टोन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वोकल टोन ऐसा बना के रखो जो न्यूट्रल रहे। तो अगर मैं कभी बोलता हूँ ना कि रेंज बढ़ाना है, तो रेंज को एक्सपेंड करो, ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि राइट वोकल टोन, तो ऐसा वोकल टोन जो मिडल में है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत डाउन, ठीक है, बीच का जो है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप चाहते हो कि मैं कुर्ता पहनूं तो भी अच्छा लगूं और मैं ब्लेजर पहनूं तो भी मैं अच्छा लगूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो अगर आपने कुर्ता पहना हुआ है तो आपको वो उतारना पड़ेगा और जैकेट पहनना पड़ेगा या ब्लेज़र पहनना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुर्ते के ऊपर ही ब्लेज़र पहन लेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। यानी कि आप मंदिर जा रहे हैं और कुर्ते के ऊपर आपने ब्लेज़र पहना है तो आप उस जगह के लिए सही नहीं है, वो आपके कपड़े नॉट आप आपके कपड़े सही नहीं है। तो सेम वे अगर आप पार्टी में जा रहे हो और आपने कुर्ता पहना हुआ है तो वैसे तो ये चल जाएगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा जितना कि आप ब्लेज़र पहन के अगर एक पार्टी में जा रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझनी है, तो पहले आपको उसे उतारना पड़ेगा। यानी कि आपको खाली एक बॉडी चाहिए जिसमें कोई कपड़ा नहीं है पहले से। सेम वे आपको अपनी आवाज़ ऐसी चाहिए जो न्यूट्रल है, जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई कपड़ा नहीं है, कोई लेयर नहीं है। अगर आपकी आवाज़ नॉर्मल ना हो के किसी कोई लेयर आपके अंदर ऑलरेडी है जॉनरा का किसी, तो वो आपको दूसरे जॉनरा में एंटर करने से रोकेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है एक न्यूट्रल टोन होना वोकल टोन का, तो ध्यान रखना इस बात का। थर्ड जो पॉइंट है वो है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। आप चाहते हो कि आप वर्सेटाइल हो जाओ, आप हर तरह के गाने को गाओ तो वो वैसा ही लगे, अच्छा ही लगे, ऐसा ना लगे कि आपने कोई जॉनरा ख़राब कर दिया है गा के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी टेक्निक जाननी पड़ेगी कि इस तरह की गायन शैली में, इस तरह के सिंगिंग में आपको किस तरह का वॉइस मॉड्यूलेशन करना है, किन किन तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, कितना विब्राटोस का इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि ज़्यादा विब्राटोस आप दे रहे हो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जो जिस तरह के गाने हैं उनमें, और गज़ल है और आप बहुत उसको लाइट वॉइस में गा रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है लो नोट्स का वो नहीं दिखा रहे हैं, तो भी आपको वो सूट नहीं करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह की मॉड्यूलेशन टेक्निक लगानी है। कभी कभी आपको जल्दी जल्दी गाना होता है, आपको जंपिंग नोट्स गाने होते हैं, कभी कभी आपको बहुत आराम से स्लाइड करते हुए जाना है तो वहाँ पर स्लाइडिंग काम आएगी, वहाँ जंपिंग नोट्स काम नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है, ये आपको पहले गाने सुन सुन के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो भी हैं और जो वॉइस कल्चर है उसका, ये आपको जानना ज़रूरी है कि आप जिस पर्टिकुलर जॉनर के जॉनरा को ट्राई करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर जॉनर के जितने भी सिंगर्स हैं या गाने हैं वो किस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, वो आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है बेसिक फंडामेंटल ऑफ दैट जॉनरा जो आप गाना चाहते हैं, यानी कि उसमें फंडामेंटल क्या यूज़ हो रहा है, फंडामेंटल जो उसके हैं वो क्या हैं, किस तरह के सिद्धांत पे वो बेस्ड है वो जॉनरा। सपोज़ अगर आप कंट्री म्यूज़िक सुन रहे हो या राजस्थानी फोक सुन रहे हो तो उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, किस तरह की उसमें स्टोरी टेलिंग हो रही है, क्योंकि लिरिक्स भी बहुत मैटर करता है। आप देखेंगे रोमांटिक सॉन्ग और एक फोक सॉन्ग, उसके लिरिक्स जो है वो काफ़ी डिफरेंट होंगे, तो आपको उनके फंडामेंटल पहले समझने होंगे कि इसमें किस तरह की लिरिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें किस तरह के भाव होते हैं, इसका रस क्या है, किस तरह की उसमें ये गाया जाता है, फ्लेवर है तो आपको फ्लेवर कैच करना आना चाहिए। उसके वर्ड्स जो हैं लिरिक्स है उसको प्रोनाउंस कैसे करा गया है, सपोज़ अगर कोई हरियाणवी गाना है तो उसको आपको हरियाणवी बोलना पड़ेगा, उस तरह की एक्सेंट रखनी पड़ेगी। अगर आप उसको हिंदी में गाओगे तो वो फिर हरियाणवी नहीं रह गया। तो सेम वे अगर आप कोई कंट्री म्यूज़िक का कोई गाना गा रहे हो और अगर आपको इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है उतनी अच्छे से, तो आप कैसे उसको डिलीवर करोगे। सेम वे विद स्पेनिश सॉन्ग, अगर स्पेनिश गाना गा रहे हो स्पेनिश ही नहीं आती है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अंडरस्टैंड दिस, तो आपको उसके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो ये था फोर्थ पॉइंट। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अडॉप्ट दी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो उस तरह के सिंगर्स हैं उनको आप देखो, विजुअली देखो, परफॉर्म करते हुए देखो कि ऐसा अगर मुझे गाना है तो मुझे ऐसा कुछ दिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो इस तरह का मुझे अटायर पहनना पड़ेगा, इस तरह का, मतलब एटलीस्ट अगर आप पहन नहीं रहे हो तो भी आपके माइंड में एक पिक्चर होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू गेट इनटू द कैरेक्टर ऑफ
सच पीपल जिनकी आप वॉइसिंग, जिनकी आप जॉनरास को ट्राई करो, जिस तरह के आप गाने गाना चाह रहे हो, उस तरह के लोगों की एटलीस्ट आपको इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये था फिफ्थ पॉइंट जो आपको अडॉप्ट करना है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप अडॉप्ट करो। आप सोचो कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही गाता हूँ। इस तरह का जब आप अपने माइंड में रखोगे और तब आप ट्राई करोगे तो ही आप वर्सेटाइल हो पाओगे। सिक्स और लास्ट पॉइंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स इज टेक वन जॉनरा एट अ टाइम। एक बार में एक जॉनरा के पीछे पड़ो। सपोज आप रैप गाना चाहते हो तो रैप ही सुनो फिर कुछ टाइम। अगर आप क्लासिकल गाना चाहते हो तो क्लासिकल ही सुनो कुछ टाइम। अगर आप ओल्ड सॉन्ग्स पे पकड़ बनाना चाहते हो तो आप पहले ओल्ड सॉन्ग सुनो, काफ़ी जानो उनके बारे में, ठीक है, सिंगर्स के बारे में जानो, म्यूजिक डायरेक्टर कौन से थे इंपॉर्टेंट उनके बारे में जानो, कौन सी मूवीज़ के वो गाने हैं वो जानो, तब आपको थोड़ा वो समझ आना शुरू होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक ईच जॉनर एट अ टाइम, एक बार में एक जॉनरा, ठीक है, कुछ टाइम दो। मैं भी अपनी जर्नी में मैंने सब कुछ एक साथ नहीं सीखा है, मैंने कभी दो महीना कुछ सुना, कभी तीन महीना कुछ सुना, कभी चार महीने कुछ सुना, ऐसे सुनते 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 कि सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली एंड देन आई स्टार्टेड साउंडिंग लाइक दोज काइंड ऑफ सिंगर्स जो उस जॉनरा को गाते हैं। एंड एक बीच में मैंने अपनी वॉइस ऐसी बनाई जो न्यूट्रल है, जो हर तरह की जगह पर एंटर कर सकती है। मैं किसी एक जॉनरा से बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, मैं सभी जॉनरा को ट्राई करता हूँ। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ अप्रोच आई वॉन्ट यू टू डू, ठीक है। ये सब सीक्रेट्स हैं, ठीक है, सिंगर्स आपको नहीं बताएंगे हर कोई, जो करता होगा पहली बात तो वो आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आई वॉन्ट टू शेयर, तभी मैं ये चीज़ शेयर करूँ, अदरवाइज मैं टॉपिक ही नहीं पिक करता यहाँ। तो मेक श्योर आप इन सारी बातों का ध्यान रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, कॉमेंट ज़रूर कर देना, जो लोग पहली बार आए थे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया हो वीडियो तो दोबारा से देख लेना, ठीक है, मैं लिंक कर दूंगा जो इससे रिलेटेड वीडियोस आई बटन में, उनको भी चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।